सो ही गाइस वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। एंड आज से रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, साथ में इंडिया टुडे गेमिंग का एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। सो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में टीम सोल की रैंकिंग अभी #5 पे चल रही है। बाकी जो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है वो 16 को ख़त्म हो जाएगा। एंड आज Day 1 था। बाकी जो टॉप 18 टीम्स है आप उनका रैंकिंग और पॉइंट देख सकते हो। एंड इंडिया टुडे गेमिंग के टूर्नामेंट में टीम सोल क्वालिफाई नहीं हो पाई है। एंड आज सेमीफाइनल था और वो एक ही दिन का सेमीफाइनल था, उसमें टीम सोल की रैंकिंग अभी #20 पे है। और जो टॉप 16 टीम क्वालिफाई हुई है ग्रैंड फाइनल के लिए वो भी आप लिस्ट देख सकते हो। एंड जो ग्रैंड फाइनल है वो 2 दिन का है, 16 को, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो ग्लेजर गेम्स का है उसमें टीम सोल की रैंकिंग अभी #2 पे चल रही है। बाकी आज Day 3 था एंड वो भी कल ख़त्म हो जाएगा। सो देखते हैं ग्लेजर गेम्स के टूर्नामेंट में कौन सी टीम विनर बनती है। सो ये था पॉइंट टेबल एंड ऑल। और आपको ये वीडियो में टीम सोल के आज के कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। सो बाबू शुरुआत बहुत अच्छी थी और आप इसी शुरुआत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसी बीच टीम सोल वर्सेस टीम अलादीन होता हुआ, संयम चौट ने नॉक निकाला था नियो के ऊपर, लेकिन संयम चौट भी यहाँ पे नॉक होते हुए ब्रेकआउट की तरफ हेक्टर जा तो रहे हैं। टीबीएस हाथ में है लेकिन पीछे नियो को बचाना पड़ेगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, लेट्स सी ब्रेकआउट शॉट तो देंगे हेक्टर को लेकिन निकल गए वहां से। हेक्टर ओवर कमिट मत कीजिए यहाँ पे, नियो का कंफर्मेशन आता हुआ, वेक्सी का ग्रेनेड ब्रेकआउट की तरफ, अब ओमेगा जाते हुए ही इज गोना गेट द नॉक, ब्रेकआउट को टेक डाउन कर दिया है और एक और प्लेयर आते हुए वेक्सी सामने से, ओमेगा इज गोना गेट द नॉक, यस ऑफ कोर्स ही एब्सोल्युटली डिलीवर was on time whenever it is needed। और अब तीन खिलाड़ी सोल के नजर आ रहे हैं लेकिन सामने से हमें थर्ड पार्टी भी आती हुई, इट सीम्स लाइक यहां पे पार्टी स्ले करने के लिए आ चुके हैं। रेड हॉट मोमेंट्स बनते हुए यहां पे ओमेगा और अक्षत को फॉल बैक करना चाहिए बट अक्षत इज नॉट गोना फॉल बैक, दिस प्लेयर इज अ टाई हार्ट प्लेयर, इज अ ट्राई हार्ट प्लेयर, ही इज नॉट गोना फॉल बैक। टीम अलादीन भले ही एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन यहां पे टीम एनिग्मा कम्स इन होते आगे बढ़ेगा बट मैडमैन को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। टीम सोल के खिलाड़ी जरूर से उस फाइट में फायदा उठाने आ चुके, आउट नंबर है जो भी उधर से आएंगे थोड़ा सा आउट नंबर रहेंगे और टीम सोल अपने चारों खिलाड़ी के साथ एजेस नाप का इंतजार कर रहे और मुश्किल जल्द से यहाँ पे होने वाली। जी हाँ हेक्टर की बात करें तो माइटी को टेक डाउन कर चुका है और व्हीकल ब्लास्ट के साथ उन्हें फिनिश भी यहाँ पे किया जाएगा तो पहला फिनिश पॉइंट टीम सोल के पास भी आता हुआ। एक स्टार्ट काफी कमाल का है लेकिन सर्कल का डैमेज तो इन्हें भी पड़ रहा है, जल्द से जल्द सर्कल में जाने का फैसला किया जाएगा लेकिन अभी दूसरा ही स्टेज है ना और ये यहाँ से चार है फिनिश क्योंकि पहले मैच के बाद जो डिफरेंस है उसे कवर करने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। टीबीएस के साथ जाएंगे बड़े आराम से, वो कनेक्शन बनाया जाएगा और इस मैच से 8-bit को बाहर का रास्ता शायद। And let me tell you, we are gonna get so many party slayer moments of the match and साथ ही साथ red hot moment भी मिलेंगे हमको but अभी के लिए dreams भी shut down होते हुए पुकार के साथ अभी team expar की दहाड़ अगले मैच में देखने को मिलेगी क्योंकि इस मैच से तो eliminate हो चुके हैं OR player 1 के ऊपर shots, Neo Omega को नहीं बचा पाए, थोड़ा सा advance किया था बट पुकार को भी वहां पे हम डाउन होते हुए देख पा रहे हैं, उनको रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है, मॉली जरूर से वहां पे थ्रो किया जाएगा ताकि एंट्रेंस पे उन्हें कुछ समय तक के बाद मान्या के डाउन हो जाने के बाद ब्लाइंड थोड़ा सा ना पैसिव अप्रोच की तरफ चला गया है बट उसके बाद उन्हें सर्कल का बढ़िया फेवर मिला है और अभी भी 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और किसी भी फाइट के आसपास नहीं, तो आई थिंक जेली यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आप अपने लिए खुद ही बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हेक्टर के तरफ से, मतलब जो मौका मिला पार्टी स्लेयर यहाँ पे किया जा रहा है टीम सोल के तरफ से। ये तीन खिलाड़ी पीछे से काफी अच्छा स्प्रे रखे, फिलहाल आप देखें तो ब्रीदिंग स्पेस ना के बराबर, जी वार्ड हमें देखने को मिल जाएंगे पीछे, वहाँ पे टी एक्स के खिलाड़ी जो कि हील बैटल कर रहे हैं और ओ आर जो ट्राई किया गया आखिरकार जेली इकलौते थे, बहुत ज्यादा अवसर दे दिया जैसा आपने बताया और उसका खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। इसी बीच न्यूमैन भी अपने खिलाड़ी को गवाते हुए, सविता रवि दोनों ही यहाँ पे डाउन कर दिए गए और टीम एंटिटी का भी एलिमिनेशन आ चुका है। छठे है कि ब्लाइंड के खिलाड़ी तो अपने सारे ग्रेनेड्स एंड मॉली यूज कर चुके लेकिन टीम सोल सारे यूज नहीं किए होंगे, उनके पास जरूर से हमें देखने को मिलेगा बट हेक्टर के पास भी वो ग्रेनेड स्मोक्स ना मॉली होने वाली, तो ये प्रॉपर फाइट होगा और इसमें स्टार्ट की बात करें मिल चुका है हेक्टर को, एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा रॉनी जो कि पीछे है उन्हें भी डाउन करेंगे टीम सोल को, ठीक है सही यॉर्कर डालने को नहीं बोल सकता आप, अगर उसके हर बॉल को डिफेंस करते जाओ तो एक आधी गलती तो जरूर करेगा, उस गलती का इंतजार कर रहे हैं। उधर टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल की फाइट शुरू होती हुई, व्हीकल रनओवर के चलते डाउन कर दिए जाएंगे एक और ट्रेस करते हुए डाउन कर दिए जाएंगे दूसरे, बट पीछे से बहुत ही ज्यादा लेट आती हुई वेलोसिटी गेमिंग टीम सोल की इस थर्ड पार्टी में पार्टी स्लेयर्स का रोल अदा करेंगे बट क्या डिस्ट्रॉय कर पाएंगे बिकॉज यहां पर तीन तीन से ज्यादा प्लेयर्स नॉकआउट हैं।
सदरलैंड की तरफ आगे थे, लेकिन उतनी ही जल्दी हमें वो फाइट में भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सामने अक्षत और ओआर के आखिरी खिलाड़ी एडमिनो लॉसडी गेमिंग के खिलाड़ी को वो डाउन करेंगे। हेक्टर आउट ऑफ द अदर साइड। आज हेक्टर यहां पर खेल रहे, थोड़ा रेगुलर हो रहे हैं आप टीम के साथ खेलते हुए, और बैलेंस नजर आ रहा है अच्छा मुझे। बिल्कुल काफी बैलेंस चल रहे हो आप। देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए हेक्टर ही जा रहे आगे, हर बार आगे जा रहे हैं। सर्कल का मिशन के ऑर्डर पांचवा स्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। बट आई थिंक वहां पे शॉट कनेक्ट हो गया किनी ना किनी का, और क्या पूरी की पूरी ओजी की टीम इस मैच से बाहर है। निंजा बॉय ने निंजा को डाउन करा है। द ओजी निंजा इज एक्चुअली बैटलिंग आउट विद द न्यू अंडरडॉग निंजा, बट निंजा बॉय ने जो ग्रेनेड करा उससे कॉज रेन की टीम को लॉबी छोड़ के जाना पड़ा है। ग्लोबली स्पोर्ट्स भी जोन के बाहर ही है फिलहाल, बट देखते हैं उन्हें एंट्री मिल पाती है, बिकॉज न्यूमैन भी उस एरिया में आपको मौजूद दिखेगी। 7 फिनिशेस टीम सोल के पास, बढ़िया स्काउटिंग, गाड़ियों का जो उपयोग करना है वो बहुत ही बखूबी तरीके से अपनाते हुए, उसे अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हुए 6 फिनिशेस ग्लोबली डेफिनेटली स्पॉट आउट कर दिए गए होंगे। बट टीम सोल एक एक करके जिस भी प्लेयर के साथ फाइट ले रही है उनको या तो गाड़ी से ठोक रही है या उनकी गाड़ी को ठोक रही है, और अगर वेपन्स की बात आ रही है तो वेपन से ठोक रही है। बम भी करने की कोशिश की जा रही है, और शायद वो लॉन्ग रेंज से हमें होता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि प्लेयर के बीच में गैप है और उनको इतना ज्यादा डैमेज दे दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द वो रिवाइवल नहीं गया तो उनका एलिमिनेशन यहाँ पे होना बहुत ज्यादा आई थिंक हाँ बाहर हो जाएंगे बड़े आराम से। यहाँ पे एक और फिनिश पॉइंट, नौवां फिनिश पॉइंट निकाला गया है। हर बार हम देख रहे हैं किसी ना किसी एक मैच में एक ऐसी टीम आती है जो कि बहुत सारे फिनिशर निकालते हैं, और इस मैच में आई थिंक वो टीम सोल है। यहाँ पे स्पॉट कर लिया जाएगा जल्दी बगीचे, एक और एचपी की दरकार थी। निंजा बॉय क्या कमाल की ट्रेसिंग है, ये है राइजिंग। पहले अर्ली एनिमेशन देखने को मिला, एनिग्मा फॉरएवर कह रहे हैं नहीं हम तो आए हैं लड़ने और लड़ेंगे जरूर, बट टीम सोल एक फ्री का फ्लैग मिल गया उनको, प्लेयर इनके कंपाउंड प्लेयर्स को बचाते नजर आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली स्प्रे गॉड को वो नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल सही सही, हम यहाँ पे अपने नाम की तरह पूरी मैं कहूंगा उन्होंने वही दिखाया जॉर्ड गेम प्ले, बट अभी फिलहाल केमिन दे आर इन ट्रबल क्योंकि जोन के बाहर से आना था। सोल ऑलरेडी गेट कीपिंग कर रही थी, हेक्टर हम देख सकते हैं उनके सामने प्लेयर थ्री है। प्लेयर थ्री की तारीफ काफी ज्यादा हमने होते हुए देखा, वो प्लेयर लेवल का है, बट आप देखें इसी के साथ अक्षत विद हिज टीबीएस एंड आई थिंक द लास्ट प्लेयर फ्रॉम केमिन इज सर्वाइविंग। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं बट अक्षत ऑलरेडी नो दैट वो कहां पर है। अक्षत अपने टीबीएस के साथ जाएंगे जरूर से, लेट्स सी द 1v2, देयर वी गो, हेक्टर विद हेडशॉट, केमिन एलिमिनेट, नॉट ही मेजर इस्तेमाल करो, वही बेहतर प्लेयर है, बट वही न्यूमन गेल सोल के नियो को यहां पे नॉक करा। कहीं ना कहीं टीम सोल भी जोन के बाहर है और रश करने का मौका मेरे ख्याल से न्यूमन के पास भी बन सकता है, उनको भी जोन के अंदर जाना है एंड ये फाइट को मिस नहीं करना चाहेंगे। अब नियो को देखिए कितने दूर है, अक्षत को अगर उनको बचाना है या फिर उनके प्लेयर्स को उनको बचाना है तो अभी गाड़ी लेके एडवांस करना पड़ेगा, अदरवाइज नियो को बचाना शायद संभव ना हो। न्यूमन भी उस तरफ से पुश करते हैं आपको नजर आ रही है, एक क्रेजी बैटल अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा मिरा मार के रिजेस के ऊपर। मुझे तो लगा था कि गॉडजिन अभी और थोड़ा लंबा पिन करके रखेगा न्यूमन को उस चर्च एरिया पर, बट वो खुद जोन के अंदर निकल गए और न्यूमन को लिबर्टी मिल गया। अब ऑब्वियसली बात आप जोन के बाहर आप एच पे तो पुश करोगे ही, और ऐसे में कौन मिला, टीम सोल ओपनिंग चाहिए थी वो मिल गई, बट ओमेगा वेट कर रहे थे सही समय का जहां एक स्प्रे में दो को डाउन करेंगे और करके जाएंगे भी। स्कारल का स्प्रे थोड़ा सा शेकी कंपैरेटिवली होता ही M4 से, इसलिए अच्छा टाइम बाय करा, अच्छा पहले सेट करा और उसके बाद एग्जीक्यूट करा, जिसमें कोई खासा प्रॉब्लम आई नहीं है। इक्वेशन न्यूमन की गई, बची है 4v2 की सिचुएशन। गॉब्लिन न्यू सबको छोड़ दो, यहां पर आगे जाके वो अपने पॉइंट्स निकालेंगे, फिलहाल के लिए गॉब्लिन मौजूद नहीं है। हेक्टर आज यहां पर रहेंगे, ग्रेनेडियर बड़े जबरदस्त ओपन में स्पॉट किया था, वाज अ रेज ग्लिच इवन आई थॉट फॉर अ सेकंड, इवन हेक्टर ने भी वो चीज जरूर से एक्सपीरियंस करी, बट नहीं उन्होंने वहां पे सवितार को डाउन किया है। मैं देखना चाहूंगा नॉक किया या फिनिश किया, फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है नॉक प्लेयर को फिनिश किया गिल एक हिल पे, बट शायद उतना चिल नहीं कर पाएंगे यार। इस गिल को हिल से निकालने के लिए ओमेगा पुश करते आपको नजर आएंगे, बट ओमेगा अकेले हैं यहां पे, गाड़ियां आ चुकी हैं। चलिए सोल का कवर भी आ गया, सारे प्लेयर्स एक साथ पुश करते आपको नजर आएंगे, टीम सोल एडवांटेज मिल सकता है, गिल की पोजीशन भी पता है, बट ओमेगा वापस पीछे चले गए। अक्षत अब अकेले स्पॉट करते नजर आ रहे हैं, डीपीएस है उनके पास क्लोज रेंज में, वो जरूर यहाँ पे डैमेज दे सकते हैं। हम सब जानते हैं अक्षत डीपीएस के साथ बहुत वैल्यू निकालते हैं, स्पॉट किया अब थोड़ा डैमेज तो जरूर दिया, बट ये क्या हुआ अक्षत स्टॉप हो गए थे वहां पे, बट नॉक किया वहां पे नियो ने दूर से गिल को। अगर यहाँ पे अक्षत का कुछ बीटी था, कोई नेटवर्क इश्यू था या क्या जाता, जो हर किसी टीम को चाहिए लेकिन हर किसी को मिल नहीं पाएगा, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे तो नॉट भी आएंगे, बट यहाँ पे एंगेज होते हुए प्रिंस के सामने सोल नॉट ओजी, ओमेगा टेक्स डाउन प्रिंस, डाउन कर दिया गया है
सामने से आए थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रिंस के पास मौका तो था, लेकिन प्रिंस के बाद एक ही भी डाउन होते हुए सुनामी को भी डाउन कर दिया है। एजे 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 जरूरत है यहाँ पे फाइट में, लेकिन नहीं, ये किसने फायदा उठाया? वीएलटी ट्रायआउट 3 बहुत दूर से आया शॉट, और अभी गुजरात टाइगर्स को फिलहाल लॉबी से तो बाहर भेज दिया है, बट एनिग्मा वर्सेस 8-bit का स्क्वाड, इनके बीच में भी फाइट होती हुई WSB भी एंगेज कर। बाकी आपको टीम सोल का आज का कुछ अच्छा फाइट और वो चिकन डिनर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड अगर आपने कल का टीम सोल का ओपी तोड़फोड़ वाले मैचेस नहीं देखे जहाँ पे टीम सोल ने कल 4 चिकन डिनर निकाला था तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ, तब तक लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग।